ये मैंने दो प्याज लिए हुए हैं, पहले हम इनको चॉप कर लेंगे अच्छे से। आज प्याज हमने देसी तरीके से चॉप करा है, तो चलो प्याज भी हमारा चॉप हो चुका है। अब आई टमाटर की बारी। तो मैंने तीन छोटे साइज़ के मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं, अब इनको हम पहले बीच से काट लेंगे, उसके बाद इसको चॉप करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने आधा किलो मटन ले रखा है, तो आप भी ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने मटर मसाला बनाने के लिए कुकर लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे इसमें। मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे से पकने देंगे, जैसे धुआं निकल रहा है देखिए। इसके बाद हम इसमें सूखा धनिया, जीरा, थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे। अब इसमें हम काटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छा से भुनना है, अच्छे से ब्राउन होने देना है हमें। करछी को चलाते रहे। याद रखें इसको अच्छे से ब्राउन होने दें, जैसे देखो मैंने ब्राउन कराया प्याज को। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, जो हमने फाइनली चॉप करा हुआ है। टमाटर ऐड करेंगे इसमें। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हल्दी, नमक, देखिए मिर्च, कर लेते हैं मिक्स। तो देखिए कैसे मसाले से तेल अब अलग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मसाला पक चुका है। तो मसाला अब हमारा पक चुका है, अब हम इसमें मीट डालेंगे। मीट को बने हुए मसाले के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करछी को ऐसे चलाएं ताकि सारा मसाला मीट में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, अच्छे से मिक्स करना है हमने। गैस अब कम कर दें और इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे भुनना है हमें मीट को। जब हम मीट को ऐसे भुनते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है और बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बनता है ये। 15 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी का हाफ कप हमने आधा सा कप ऐड करना है बस, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कुकर का ढक्कन लगा दें, अब गैस को भी फुल कर दें। याद रखें मीट को हमने सिर्फ 35 से 40 मिनट तक पकाना है बस। अब तो 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, देखिए मीट हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने घर का बना हुआ स्पेशल गरम मसाला, जो इसके फ्लेवर को और टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस कर देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, धनिया डालने के बाद खुशबू बड़ी अच्छी आती है। मटन तो हमारा ऑलमोस्ट पक ही चुका है, ये देखिए आप खुद देख लिए, हड्डी और साथ अलग हो चुका है, कलर भी कितना अच्छा बन के आया हुआ है। तो अब हम इसको सर्व कर सकते हैं, ये देखिए अब खाने का टाइम हो चुका है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।